अगर आप लोगों ने भी NSP स्कॉलरशिप 2020-2021 भरा था और अभी तक आपका पेमेंट नहीं आया और जब आप अपना स्टेटस चेक करते हो एप्लीकेशन स्टेटस वहां पर दिखा रहा है एप्लीकेशन फाइनली वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, दोस्तों इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, अभी तक आपका स्टेटस क्यों नहीं चेंज हो गया, इस रिगार्डिंग मैंने आज NSP कस्टमर केयर के साथ बात करके उसके रिगार्डिंग एक अपडेट लाया है जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज वसीम एंड यू आर वाचिंग फॉर क्वेश्चन टेक। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों चलिए हम आज का वीडियो शुरू। जैसे कि आप सबको पता है आपका स्टेटस पेंडिंग है फ्रॉम लास्ट ऑफ 4 मंथ्स, खाली यही दिखा रहा है एप्लीकेशन फाइनली वेरीफाइड बाई नोडल ऑफिसर। और जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आपका स्टेटस 28 अप्रैल तक चेंज होगा, लेकिन ड्यू टू सम रीजन आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ और आप में से बहुत सारे बंधुओं ने मुझे मैसेज करके बोला कि सर इसके रिगार्डिंग कोई हमें अपडेट दीजिए कि हमारा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा। लेकिन फाइनली एनएसपी के साथ मुझे कॉन्टैक्ट हो गया और वहां से एक अपडेट आया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अपडेट शेयर करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है एनएसपी स्कॉलरशिप में 2 टाइप के स्कॉलरशिप होते हैं, फ्रेश स्कॉलरशिप या रिन्यूअल स्कॉलरशिप। रिन्यूअल स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट 95% ऑफ स्टूडेंट्स को क्रेडिट किया गया था उनके अकाउंट्स में, 17 मार्च को उनके अकाउंट्स में क्रेडिट किया गया था स्कॉलरशिप। अब बचे 5% स्टूडेंट्स, उन लोगों ने 2 एप्लीकेशन भरे थे फ्रेश स्कॉलरशिप एज वेल एज रिन्यूअल स्कॉलरशिप और उनके बैंक में कोई प्रॉब्लम होगी दैट इज वाई उनका स्कॉलरशिप नहीं आया। ऑलमोस्ट 95% ऑफ स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप क्रेडिट किया है एनएसपी वालों ने। अब करेंगे हम बात फ्रेश वाले स्कॉलरशिप के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि फ्रेश स्कॉलरशिप में 3 इंस्टॉलमेंट होते हैं। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एनएसपी ने क्रेडिट किया था वो किया था 28 मार्च को, जो बंदा उस मेरिट लिस्ट में आया था उनके साथ वो स्कॉलरशिप क्रेडिट किया गया था उनके अकाउंट में। और जिन लोगों का अभी तक नहीं आया उनका कब तक आ जाएगा इस वीडियो में हम होल टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे आज मैंने एनएसपी कस्टमर केयर के साथ बात की इस रिगार्डिंग कि सर हमारा स्कॉलरशिप स्टेटस दिखा रहा है एप्लीकेशन फाइनली वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोएडा ऑफिसर, जबकि इसको 4-5 मंथ्स हो गए, इसका स्टेटस क्यों नहीं चेंज हो रहा है हमारे अकाउंट में। दोस्तों उन लोगों ने मुझे बोला है कि स्कॉलरशिप प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आपका स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिलेगा लेकिन ये फेज वाइज मिलता है, आपको इसके लिए वेट करना होगा, आपका स्कॉलरशिप आएगा जल्दी, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पहले मैं आपको क्लियर करूंगा। दोस्तों ये सारी प्रोसेस दिल्ली में होती है और एज यू नो अबाउट दिल्ली, वहां पर अभी कोविड सिचुएशन बहुत ही खराब है, ड्यू टू दैट रीजन आपका स्टेटस भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसी थोड़ी हालत ठीक हो जाएगी आपका स्टेटस डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। इसके बाद मैंने मिनिस्टर या माइनॉरिटी अफेयर्स को एक मेल करके भेजा कि सर हमारा स्टेटस अभी तक क्यों नहीं चेंज हुआ। उन लोगों ने वहां पर रिप्लाई करके ये रेस्पॉन्स दिया, यहां पर आप देख सकते हो पहले रिगार्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्कॉलरशिप सेक्शन मिनिस्टर या माइनॉरिटी अफेयर्स, यहां पर आप देख सकते हो एज पर द स्टेटस एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यूर एप्लीकेशन हैज फाइनली वेरीफाइड बाई यूर स्टेट डिस्ट्रिक्ट नोएडल ऑफिसर, प्लीज वेट फॉर फर्दर अपडेशन ऑफ पोर्टल। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो रिप्लाई दिया है, इन लोगों ने इसमें बोला है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको जब अपडेट हो जाएगा तो आपका स्कॉलरशिप डेफिनेटली आएगा। दोस्तों अभी तक आपकी स्कॉलरशिप प्रोसेस स्टॉप नहीं हुई तो आपको उम्मीद रखनी है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा। आज मैं कोई डेट नहीं दूंगा कि आपका स्कॉलरशिप कब तक आएगा क्योंकि यहां पर इन लोगों ने भी कोई नोटिफाई नहीं किया है कि आपका स्कॉलरशिप अपडेट कब तक हो जाएगा, खाली इन लोगों ने यह बोला है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। दोस्तों मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट देता हूं कि 15 मई तक आपका स्कॉलरशिप स्टेटस डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, स्कॉलरशिप डेफिनेटली मिलेगा या अप टू जुलाई तक आपका स्कॉलरशिप डेफिनेटली आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से मुझे बोलना कि अगर आपको कोई किसी और जगह पर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बोल सकते हो, मैं डेफिनेटली वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।